हाय गाइस, मैं हूँ भावेश और मैं आया हूँ किले तुंग पर। जी हाँ, किले तुंग वो किला जिसे कठिनगढ़ कहा जाता है। जी हाँ, जिस पर चढ़ना काफी कठिन है। यहाँ तुंग किला एक घाट रक्षक किला है जो कि 1657 में शिवाजी महाराज ने अपने साम्राज्य में इसको शामिल किया था और 1660 में नेताजी पालकर को इस किले की जिम्मेदारी सौंपी थी। तो यहाँ पे बहुत कम स्पेस है, अगर आप आएंगे यहाँ पे तो थोड़ा संभल के आइएगा। आप देख रहे हो कि टोटली खाई है, एक पैर फिसला तो आप सीधा नीचे, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और आगे धीरे धीरे और स्पेस कम हो रही है। तो काफी पुराना दरवाजा लग रहा है मुझे, जो कि लगभग मेरे ख्याल से 400-500 साल पुराना हो सकता है ये दरवाजा, पर इसकी मजबूती आज भी उतनी ही स्ट्रांग है ना जैसे 500 साल पहले हुआ करती थी, ऐसा मुझे लग रहा है कि किसकी मजबूती देखकर। और ये दुश्मनों से बचने के लिए यहाँ पे जो ये लगाए जाते थे, उसके अलावा यहाँ पे विश्राम करने के लिए जो पहरेदार होते हैं उनके लिए छोटा सा क्या बोल सकते हम, छोटी गुफा बनाई हुई है। तो आप मेरे बैक साइड जो ये पानी की टंकी देख रहे हो, एक्चुअली ये 400-500 वर्ष पहले इस तरह पानी को स्टोरेज किया जाता था और इसे पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और ये खासियत है कि इसका कोई तोड़ नहीं है कि इतनी बड़ी छोटी पे, यानी का मतलब है इतने बड़े किले पे इस तरह पानी को स्टोरेज करना वाकई एक बहुत बड़ी कला थी, जो आप अभी मेरे पीछे देख रहे हो। अभी हम फाइनली यहाँ पे चढ़ने वाले हैं। जी हाँ, फाइनल पैच है ये और फाइनल पीक है जो ऊपर चढ़ना है हमें। रास्ता आप यहाँ से देख रहे हो, चैतन्य और शुभान यहाँ पे खड़ा है और हम यहाँ से अभी ऊपर चढ़ने वाले हैं, जो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है मुझे ऐसा लग रहा है। और चैतन्य के लिए मैं एक ही बात बोलूँगा, ऑल द बेस्ट। फाइनली चढ़ गया। और मेरे पीछे जो व्यू नजर आ रहा है, अभी दिख रहा है, वो काफी बढ़िया है, पर थोड़ी सी कठिन चढ़ाई थी, पर है बढ़िया। तो चलिए और चढ़ता हूँ आगे और देखता हूँ। आपको नजारे अच्छे दिख रहे होंगे ऐसा मुझे लग रहा है, जैसे जैसे मैं ऊपर जा रहा हूँ वैसे वैसे नजारे काफी बढ़िया दिख रहे होंगे।
व्लॉगिंग करने का मजा ही अलग आ रहा है। और हमारे ऊपर से टूरिस्ट बाइक हमारा स्वागत करते हुए फाइनली मैं आ गया हूँ तुंग किले के टॉप पर। जी हाँ, और इस किले की खासियत ये थी कि ये रक्षा के लिए यानी कि नजर रखने के लिए बनाया गया था, जो कि बहुत ही खास था। यहाँ से तिकोना किला, लोहगढ़ फोर्ट, उसके अलावा विसापुर और कोरायगढ़, इन सभी किलों पर नजर रखी जाती थी। उसके अलावा बोरघाट आवागमन के लिए होती थी, उसके ऊपर भी नजर रखने के लिए ये बनाया गया था। तो इस किले की खासियत ये है, और इसे कटिंगगढ़ इसीलिए कहा गया है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। हाँ, वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय शिवाजी, जय भवानी।